इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है ऐसा हुकूमत का कहना है, पर आवाम अब आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के जहनी दबाव से बाहर निकलकर रोजमर्रा की सरगर्मियों में मसरूफ होती दिखाई दे रही है। वीकेंड लॉकडाउन को आज शाम से ही शुरू तो किया, पर आवाम भी कुछ तवज्जो नहीं दे रही। वीकेंड लॉकडाउन में दोपहर 2 बजे तक तो तमाम कारोबार जारी रहेंगे ऐसा भी कहा गया, बस ट्रेन और दिगर सवारियां भी जारी रहेंगी, लिहाजा मुसाफिरों को टिकट या जरूरी कागजात अपने पास रखने की सख्ती भी की जा रही है। शादियों में 40 लोगों के शिरकत की इजाजत चाहिए जैसे पहले थी। इसी दौरान अफवाहें भी गश्त कर रही है कि 5 तारीख से फिर से लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि 5 तारीख से तो अनलॉक 3 के तहत शॉपिंग मॉल, फिल्म थिएटर, इबादत गाहों को भी खोलने का फैसला लिया जा सकता है। वैसे हुकूमत को भी मालूम है कि आवाम पर ज्यादा बोझ डालना मुनासिब नहीं है, पर दूसरी तरफ कोरोना के दौरान जो घाटा हुकूमतों को उठाना पड़ रहा था इसका खर्च भी आवाम की जेब से ही वसूला जा रहा है। और यह नया तरीका इजाद किया गया और वो है महंगाई। अब तो फिर से रसोई गैस में 25 रुपए का इजाफा किया गया। बेताशा महंगाई के जरिए आवाम की जेब खाली की जा रही है, पर आवाम खामोश है। इन्हें शायद इस महंगाई से कुछ लेना देना ही नहीं है। दुकान खुले है पर दुकानों से खरीदने के लिए पैसे कहाँ है। सरकार पैसे बनाने का खतरनाक खेल खेल रही है। भारत के कई इलाकों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के आंकड़े को पार कर चुके, तो विपक्ष का कहना है कि जिस घरेलू गैस की कीमत 552 रुपए प्रति सिलेंडर होती थी, सरकार ने उसे 834 रुपए में बेच रही है। सरकारी खजाने में पैसा भरने के लिए सरकार के पास तमाम तरीके हैं। वह चाहे तो अमीरों पर टैक्स लगा सकती है और चाहे तो ऐसे तमाम कदम उठा सकती है जिससे आम लोगों पर बोझ ना पड़े, लेकिन वह ऐसा नहीं करती क्योंकि ऐसा करने से उसे अपनी कुर्सी की फिक्र सताने लगती है। इसलिए सरकार ने पैसा निकालने के लिए कारगर जगह खोज निकाली है। उस जगह का नाम है आपकी और हमारी जेब, आम जनता की जेब। इसमें सरकार की साथी है तेल कंपनियां। तेल कंपनियां कीमतें तय करती है और उस कीमत पर सरकार टैक्स लगाती है। इतना लगाती है कि आम आदमी की जेब में बची कुछ 98 भी खर्च हो जाए। सरकार पैसा बनाने का यह खेल खेल रही है। भारत के कई इलाकों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए आंकड़े को पार कर चुकी है। सरसों का तेल, घरेलू गैस की कीमत और जो भी हमारी आपकी जिंदगी में रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं सबकी कीमत बढ़ गई है, लेकिन शोर कहीं नहीं नजर आ रहा। शोर हो भी कैसे सकता है? शोर करने की जिम्मेदारी जिस मीडिया को सौंपी गई है वह सरकार के मैनेजमेंट का सबसे कारगर हथियार है। मीडिया शोर को मैनेज करने का पूरा काम कर रही है। कश्मीर में धर्मांतरण के मुद्दे से लेकर पॉपुलेशन कंट्रोल कानून जैसे मुद्दे आम लोगों के जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज करने के लिए तो उछाले जाते हैं। कुछ तो वैक्सीन की फिक्र में मुबतला है तो भक्तों के लिए नमो नमो का जाप ही काफी है। और फिर सबसे पसंदीदा मौजू हिंदू मुस्लिम तो जरूरी है। इतना जरूर समझ में आ रहा है कि 70 सालों में जो नहीं किया था वो महज 7 सालों में मोदी हुकूमत ने कर दिखाया। आखिर यह लोकतंत्र है, आवाम अगर महंगाई को एंजॉय कर रही है तो आवाम ही सही, और महंगाई चलते रहे क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बेलगाम में जिस खबर पर तस्करे जारी है वो है रेसकोर्स मैदान के करीब चीते की मौजूदगी। आखिर क्या खबर है, यह सच है या अफवाह? इसकी तस्दीक अब तक नहीं हो पाई है। कुछ लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान चीतों को देखने का दावा कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट अफसरान ने तमाम इहाते में तफ्तीशी मुहिम चलाई। अब तक किसी तरह का कोई निशान नजर नहीं आया। तकरीबन 7 जगहों पर CCTV भी बिठाए गए, लेकिन अब तक किसी तरह की चीते की खबर हासिल न होने की बात फॉरेस्ट अफसरों की जानिब से कही गई है। सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर शहर में चीता दाखिल होता कैसे है? भले ही रेस कोर्स में घनी झाड़ी है पर यहां तक पहुंचना जंगली जानवरों के लिए बहुत मुश्किल है, मुमकिन भी नहीं है। लिहाजा यह अफवाह होने की बात अब लोगों में कही जा रही है। जहां चीते की अफवाह शहर में गश्त कर रही है, वहां दांडेली के कोगिलबन गांव में मगरमच्छ पानी से निकलकर गांव की सैर करते नजर आई, जिससे गांव में खौफ का माहौल रहा। आखिर गांव के लोगों ने उसको पानी की तरफ ही भेज दिया। दांडेली की काली नदी में मगरमच्छ का कयाम पहले से ही है। कोगिलबन गांव महज काली नदी से 50 फीट के फासले पर है, लिहाज धूप में अक्सर मगरमच्छों को बाहर देखा जाता है, ऐसा गांव वालों ने बताया। कोरोना आलमी वबा की खबरें अभी खत्म नहीं हुई, लिहाजा आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 100 से भी कम रही और 55 मरीज डिस्चार्ज हुए। कॉलेज तलबाओं को वैक्सीन लगाना जरूरी करार देने का फैसला पहले हुकूमत की जानिब से ही लिया गया था, पर उससे बदलते हुए किसी तरह की सख्ती न करने की बात कही जा रही है।
एक और नौजवान के पानी में डूबने से मौत, पिछले महज 3 वारदातों में बेलगाम शहर और अतराफ के 7 अपराधों की मौत हो चुकी है। हासिल इत्तला के मुताबिक कोनेवाड़ी बेलगाम तालुका में प्रवीण नामी नौजवान जिसकी उम्र महज 19 साल है, क्वारी के पानी में तैरने के लिए डुबकी लगाई तो वो वही डूब गया। किसान ने यह मंजर देखकर गांव वालों को इत्तला दी। गांव वालों की कोशिशों से लाश को पानी से बाहर निकाला गया। पानी में डूबकर मरने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, ऐसी चर्चा शहर और अतराफ में जारी है। स्कूलों की जानिब से ज्यादा फी हासिल करने के लिए स्कूलों की जानिब से हिरासा करने की फरियाद वालिदैन की जानिब से की जा रही है, पर बजाय स्कूल वालों को किसी तरह की नरमी अख्तियार करने के फीस पर जिद पर अड़े नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर फीस नहीं भरेंगे तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, अब दूसरे स्कूल में दाखिला लोक का नारा भी लगाया जा रहा है। लिहाजा कई वालिदैन ने DDPI AB पुंडलिक को मुतालबा पेश करते हुए ऐसे वक्त में जब तमाम कारोबार बंद है और अभी रोजगार अभी शुरू हुआ है, लिहाजा फीस में जो बढ़ोतरी की गई है, यानी कि जो पहले 14,500 थी फिर उसे 5,500 का इजाफा इस साल किया गया, इसे माफ फरमा कर जो असल फी है पहले वाली 14,500 उसे भरने की बात कही गई। हासिल इत्तला के मुताबिक शेख ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले तलबाओं तालिबात के वालिदैन ने अपनी फरियाद DDPI पुंडलिक के सामने रखी और लिखत में मुतालबा पेश किया, जिस पर स्कूल वालों से जल्द रब्ता कर इन्हें हिदायत देने की बात DDPI AB पुंडलिक ने कही, ऐसा वालिदैन का कहना रहा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।